नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को एक रिलीफ दी। मामला वही था, एफआईआरें भी वही थी, सिचुएशन भी वही थी और मज़े की बात यह है कि बेंच भी वही थी। बेंच भी वही होने के से तात्पर्य यह है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सदैव ये ध्यान रखते हैं कि जिन मामलों में किसी बेंच ने कोई स्टैंडिंग ऑर्डर ले लिया है या कोई ऐसा स्टेप ले लिया है जिसकी वजह से उस बेंच की अब साख सामने खड़ी हुई है, तो फिर रोस्टर उसमें ही तय किया जाता है और उसी बेंच में जनरली लगाया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है नूपुर शर्मा की जब अब की मिसलिनियस एप्लीकेशन आई, पहले भी एक मिसलिनियस एप्लीकेशन आई थी और उस मिसलिनियस एप्लीकेशन में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था कि डिफरेंट हाई कोर्ट के मातहत आने वाले अलग अलग पुलिस स्टेशन या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में एफआईआर दर्ज कर दी गई है उनके एक ही स्टेटमेंट पर। उनका एक जो स्टेटमेंट आया है वही पूरे देश में 50-60 एफआईआर, कुछ लोग अलग अलग बात करते हैं और अभी पता नहीं है कितनी एफआईआर उन पर दर्ज हो गई हैं। वो सब उन्होंने कहा था कि क्लब कर दी जाए और चूंकि पहली एफआईआर दिल्ली में फाइल हुई थी इसलिए दिल्ली में वो ट्रांसफ़र कर दिया और उनकी इन्वेस्टिगेशन की एक ट्रायल एक कोर्ट में चलाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने, हम सब जान ही रहे हैं कि उस समय बिना किसी स्पीकिंग ऑर्डर के, यानी कि उन्होंने लिखित ऑर्डर कोई नहीं किया था, लेकिन नूपुर शर्मा को के एडवोकेट को बड़ी तेज़ी से हड़का धमका दिया था। उसके बाद पिटीशन डिसमिस हो गई थी और वो पिटीशन एक्चुअली डिसमिस नहीं हुई थी, वो पिटीशन जब कोर्ट उनके ऊपर चढ़ाई कर रहा था तो वो विड्रॉ कर ली गई थी। तो उसमें विड्रॉवल के दो रास्ते दिखाई पड़ते हैं, विड्रॉवल एंड डिसमिस्ड, और दूसरा ये भी होता है कि विड्रॉवल विद अ डिस्क्रिशन टू फाइल ए फ्रेश एप्लीकेशन। ये माला मामला विड्रॉवल टू डिसमिस हो गया होगा, अंदाज़ा मुझे ये है जो जिस तरह से वो स्टेटमेंट दिए जा रहे थे। लेकिन देश ने रिएक्शन दिया, पूरे देश में इस बात पर रिएक्शन हुआ, लीगल फैटर्निटीज़ ने रिएक्शन किया और लीगल फैटर्निटीज़ के रिएक्शन के आधार पर कुछ लोगों ने जो नूपुर शर्मा के बयान का विरोध कर रहे थे, देश में हंगामा कर रहे थे, उनके जो फॉलोवर्स या उनके जो परिचित लोग हैं या उनका जो पैरवी करने वाले लोग हैं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल के पास एक आवेदन भी किया था और अटॉर्नी जनरल को ये आग्रह किया था कि अटॉर्नी जनरल महाभियोग वो उनके खिलाफ़ मानहानि का केस लेकर आए। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने, हम सबको याद है, उस समय बड़ा अच्छा जवाब दिया था और कहा था कि कोर्ट की क्रिटिसाइजेशन करना कोई महाभियोग कोई अपराध नहीं है और सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह चुका है कि फेयर क्रिटिसाइजेशन होनी चाहिए, केवल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में फ़र्क नहीं आना चाहिए, कोर्ट की अवहेलना या कोर्ट का निरादर नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया है और कोर्ट ने कोई टिप्पणी भी की है या कोर्ट ने कोई बात की है और वो बात ऐसी है जो कि सही संदर्भ में नहीं कही गई है या उसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ता है, तो फिर ऐसे किसी भी टिप्पणी या आदेश को फेयरली क्रिटिसाइज किया जा सकता है। इसलिए उन जजेस के खिलाफ जो टिप्पणी और दूसरे जजेस लीगल फेटर्निटी की है उनके खिलाफ कोई किसी भी प्रकार का मानहानि का अवहेलना का मुकदमा नहीं हो सकता, इतना तो हम सब जान गए। नूपुर शर्मा ने फिर से फ्रेश एप्लीकेशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि रिलीफ सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट के पास जाओ, भाई कह सकते हैं हाई कोर्ट, डिफरेंट हाई कोर्टों के पास हम जाएंगे, जो हाई कोर्ट अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में जो उनके मातहत जो स्टेट आते होंगे उनके लिए तो वो ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन क्या पूरे देश में कई एक हाई कोर्टों के, कई एक स्टेटों के हाई कोर्टों में की या कई एक स्टेट के जो मामले हैं उनको एक साथ क्लब क्या एक हाई कोर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट आया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट सबको क्लब करके एक जगह ले आए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लब करने का आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी से रोक लगा दी है, नोटिस इशू कर दिए हैं, नोटिस इशू करने के अलावा कुछ समय के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, नोटिस इशू कर दिए हैं, सुनना चाहता है। मेरा मानना इसमें थोड़ा दूसरा है, हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि चूंकि देश की लीगल फेटर्निटीज ने क्रिटिसाइज़ किया था इसलिए कोर्ट ने इस बार उस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की जो उसने पहले टिप्पणी की थी। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक एफआईआर जो कि साइबर की कैटेगरी में आती है, कोई एक स्टेटमेंट की कैटेगरी में आती है और वो स्टेटमेंट जो दिया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिए गए स्टेटमेंट की और इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है क्या? उस पर और
अलग अलग FIR करके पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है क्या? क्योंकि वो उतनी ही क्लिप जो उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट की ही क्लिप के आधार पर वो मुकदमे फाइल किए गए हैं, और चूंकि क्लिप के आधार पर वो मुकदमे फाइल किए गए हैं इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं साहब इसमें और इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश बनती है, इसमें और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसमें और जानकारी चाहिए, इसमें और एविडेंसेस इकट्ठे करने। मुझे नहीं लगता कि अभी इस प्रकार की कि FIR पर इन्वेस्टिगेशन और चाहिए। मैं शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस करते समय या अभी तक जो रिफॉर्म्स की आवश्यकता देश में महसूस होती, मैं इस पर पहले कह चुका हूँ, मेरे को लगता है कि एक सेमिनार में 2017 में मैंने बोला था पंचकुला में कि रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, और बहुत ऐसे स्थानों पर रिफॉर्म की आवश्यकता है जहाँ पर अभी जस्टिस प्रोवाइड करना मुश्किल है। जैसे मैं कहता हूँ सिविल के मामलों में, ये आप सभी सुनेंगे और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारी लीगल फैटर्निटीज सुन रही होंगी, वो स्टूडेंट जो हमारे ऐप पर आ चुके हैं, जुडिशरी की क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, और वो स्टूडेंट जो भविष्य में हमारे ऐप पर आकर इसी लेक्चर के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वहाँ से ऐप डाउनलोड करते हैं, और वो स्टूडेंट जो अभी जुडिशरी, हायर जुडिशल सर्विसेज या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, APO वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सब के लिए ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ख़ासतौर से जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिस क्वेश्चन में ये कहा जाए कि जुडिशियल रिफॉर्म और कोई विषय इसी तरह का दे दिया जाता है, उस पर एक ऐसे लिखिए या उस पर एक फ्रेश लिखिए, तो वहाँ पर बड़ा आवश्यक होता है। मैं उसको धीरे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समरी ट्रायल हमारे यहाँ होता है, समरी ट्रायल इसलिए होता है क्योंकि उस पर और एविडेंसेस की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए सिविल में भी समरी ट्रायल की हम आवश्यकता महसूस करते हैं, और समरी ट्रायल जब सिविल में होता है तो और एविडेंसेस की आवश्यकता नहीं, कहीं भी होता है तो हमें और एविडेंसेस की आवश्यकता नहीं होती। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करवाने की आवश्यकता होती ही क्यों है? होता क्या है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी केवल कोर्ट की सहायक एजेंसी होती है, क्योंकि कोर्ट सभी एविडेंसेस ढूंढ नहीं सकता और जो पार्टी जिसने केस फाइल किया है वो भी सभी एविडेंसेस नहीं ढूंढ सकता, इसलिए FIR की व्यवस्था है कि हम कोर्ट में एक तरीके से ऐसे भेजें कि 154 के थ्रू 154 की FIR करके आ जाएं, या फिर हम ऑनरेबल कोर्ट में 156 क्लॉज 3 के थ्रू ये कहें, कोर्ट को आग्रह करेंगे FIR रजिस्टर की जाए और उस पर इन्वेस्टिगेशन दिया जाए। इसके अतिरिक्त तीसरा एक और तरीका है सेक्शन 200 CRPC। सेक्शन 200 CRPC में हम कोर्ट में सीधी कंप्लेंट फाइल करते हैं, और कोर्ट में सीधी कंप्लेंट फाइल करके ये कहते हैं ये हमारे पास उपयुक्त एविडेंस है, अगर कोर्ट को महसूस होता है कि इस पर और एविडेंसेस की आवश्यकता है तो फिर कोर्ट 200 के बाद कॉन्ग्रीजेंस लेने से पहले, यानी कि उस पर मुकदमा शुरू करने से पहले उसके लिए ऑर्डर कर देता है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। लेकिन कोर्ट को जब ये लगता है कि इस पर अभी बहुत एविडेंसेस की आवश्यकता नहीं है और जो कुछ एविडेंसेस कोर्ट में फाइल किए गए हैं या जो मटेरियल सामने है उस मटेरियल के अलावा कुछ और पुलिस के द्वारा सहायता की हमें आवश्यकता नहीं है, तो कोर्ट उन मामलों में सीधा कॉन्ग्रीजेंस ले लेता है सेक्शन 190 में। कॉन्ग्रीजेंस लेने का मतलब होता है कोर्ट ने अपने संज्ञान में ले लिया। अब कोर्ट अपने संज्ञान में दो तीन तरह से लेता है, एक तो कोर्ट अपने संज्ञान में लेता है जब हम 154 का केस फाइल करते हैं यानी कि FIR दर्ज करते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस रिपोर्ट लगाती है और पुलिस रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट की जाती है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट को लगता है कि मामला बनता है और कोर्ट को उस पर कॉग्निजेंस ले लेना चाहिए, कोर्ट उसके बाद कॉग्निजेंस ले लेता है, गिरफ्तारियाँ हुई हैं तो गिरफ्तारियाँ ले लेता है, गिरफ्तारियाँ नहीं हुई हैं तो सीधा कॉग्निजेंस ले लेता है, और जो कुछ भी मटेरियल केस डायरी के रूप में इकट्ठा किया गया होता है पुलिस के द्वारा वो सारा का सारा सबमिट कर दिया जाता है। इसके बाद अगर कोर्ट को कभी आवश्यकता पड़ती है तो कोर्ट मदद ले लेता है, यहाँ तक कि कॉग्निजेंस लेने के बाद, कॉग्निजेंस ले लिया उसके बाद भी अगर उसको आवश्यकता पड़ती है तो ऑर्डर कर देता है, कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है यानी कि कोर्ट केस सबमिट करता है तो फिर कर देता है, जिस समय चार्ज फ्रेमिंग होती है उस समय अगर उसको कुछ आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस की सहायता ले लेता है, और ट्रायल जिस समय चल रहा होता है उस समय भी अगर कुछ एविडेंसेस की ज़रूरत पड़ती है तो वो मांग लेता है। अगर ये मामला पुलिस के थ्रू नहीं आया तो फिर सीधा कोर्ट के पास एविडेंसेस आते हैं तो वहाँ पर कॉग्निजेंस ले लेते हैं, यानी कि दोनों ही मामलों, चाहे पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करके लगाया जाए या फिर डायरेक्ट कोर्ट के पास लाया जाए, दोनों ही मामलों में फाइनली कोर्ट को जब सफिशियंट एविडेंसेस मिल जाते हैं तब वो फिर उस पर कॉग्निजेंस ले लेता है, कॉग्निजेंस लेने के बाद फाइल भेज दी जाती है
कॉम्पिटेंट कोर्ट को, यानी कि ट्रायल कोर्ट को, और ट्रायल कोर्ट फिर से उसको इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी करने के पश्चात, इंक्वायरी करने के दौरान अगर उसको लगता है कि कुछ और आवश्यकता है तो फिर वो उस तरह के ऑर्डर करता है। अगर उसको लगता है कि नहीं, जो सबमिट किया गया है, जिस पर कॉग्निजेंस लिया गया है, इसके आधार पर ट्रायल चलाया जा सकता है, तो फिर ट्रायल की प्रोसीडिंग शुरू करता है और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का प्रोसेस शुरू कर देता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से मतलब होता है प्रोसिक्यूटर को ये कहता है कि जो तुमने एलिगेशन लगाए हैं, चाहे वो पुलिस ने लगाए हों या फिर वो कंप्लेनेंट ने लगाए हों, तो मैंने जैसे कहा ना, पुलिस के माध्यम से है, पुलिस की आवश्यकता तभी है कोर्ट को जिस समय हमारे पास एविडेंसेस का अभाव है। अगर एविडेंसेस का अभाव नहीं है और कोर्ट को लगता है कि नहीं, जो एविडेंसेस हमारे पास हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं लाया जा सकता नया, और इस पर ही ट्रायल चलाया जा सकता है, तो फिर कोर्ट सीधा उस पर ट्रायल चला लेता है। और इसी दौरान अगर उसको लगता है कि नहीं भाई, हमें और एविडेंसेस की ज़रूरत है, तो सेक्शन 202, जब 200 के मामले में कंप्लेंट लेता है और 190 की कॉग्निजेंस ले लेता है, तो ऐसे मामले में 202 का ऑर्डर कर देता है और कहता है कि इस पर और इन्वेस्टिगेशन करके लाओ। जब उस तरह का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कॉग्निजेंस लेने के बाद, तब उस समय कोर्ट, ये पुलिस को न गिरफ्तारी करने का राइट होता है और ना ही कंप्लेनेंट या एक्यूज्ड के खिलाफ कोई और एक्शन लेने का राइट होता है। ऐसा अगर वो कुछ भी करना चाहता है तो फिर उसको कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है, तभी वो उस पर कोअर्सिव एक्शन ले सकता है, अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन पूरी करके ला सकता है। मुझे लगता है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में SLP में आते हैं या मिसलिनियस एप्लीकेशन लेकर आते हैं या 482 हाई कोर्ट में जाते हैं, तो हम यही कहते हैं कि देयर इज अ लैक ऑफ प्रोसीजर, यानी कि यहाँ पर प्रोसीजर डिफाइंड नहीं है और ये रिलीफ हो सकती है, इस रिलीफ को माननीय न्यायालय हमको दे सकता है। इसीलिए हमने 482 में हाई कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर दी है टू कंप्लीट द जस्टिस, और इसीलिए हमने 136 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी है कि वो फिलअप जस्टिस का कर सकता है जो गैप है। इसीलिए हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना है, और इसीलिए हमने डिस्क्रिशनरी पावर कोर्ट ऑफ लॉट्स कहा गया है, क्योंकि जो प्रोसीजर से खुद में कंप्लीटली बंधा हुआ नहीं है, वो प्रोसीजर में जो डिफेक्ट हैं उन डिफेक्टों को रिमूव करने का अधिकार रखता है, और उसके आधार पर अगर उसको लगता है तो वो उस पर स्ट्रक्चर पास करके कानून भी बना सकता है जहां पर कानून की आवश्यकता है, जो मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सेक्शन 200-202 का प्रोसीजर है, भले ही वो FIR के थ्रू आया हो, कोर्ट चाहें तो उन्हीं FIRों की जो सबमिशन हुआ है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसमें आदेश करके उनको एक साथ क्लब कर सकता है। क्लब करने के बाद उन FIRों के आधार पर सीधा कॉग्निजेंस लेने का अधिकार का कॉग्निजेंस लेने का एक तरह से बहस करवा सकता है कि क्यों कॉग्निजेंस लिया जाए, जैसे 200 में किया जाता है। और उसके बाद भी अगर आवश्यकता होती है तो अभियुक्त को बिना गिरफ्तार किए, मतलब कोर्ट के आदेश के बिना गिरफ्तार करने के आदेश दिए हुए भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करवा सकता है, अगर कुछ आवश्यकता रहती है तो। और इसके अतिरिक्त सब कुछ कोर्ट अपने हाथ में ले लेता है, कोर्ट सीधा कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं लेने देता है और ना ही राज्य सरकारों या पुलिस के हाथ में पूरी पावर जाने देता है। मैं यहाँ पर जो प्रोसीजरल लैप्स ये है कि जब एक मामले में एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारे पास है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अलावा कुछ और है नहीं और हमें कुछ और नया ढूंढना नहीं है, तो फिर माननीय न्यायालय इसमें सीधा FIR के आधार पर, जैसे कंप्लेंट होती है, उस FIR को कंप्लेंट में कन्वर्ट करने का आदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। और जब वो कंप्लेंट में कन्वर्ट हो जाए तो उसके आधार, उस कंप्लेंट के आधार पर ही जिसने भी कंप्लेंट की है उसको न्यायालय में बुलाया जा सकता है, और न्यायालय में बुलाकर उससे कहा जा सकता है कि तुम्हारे पास आधार क्या है कंप्लेंट का, और वो आधार जमा करवाने के बाद माननीय न्यायालय को अगर और आवश्यकता पड़ती है तो एविडेंस कलेक्ट करवाने के लिए पुलिस को कह सकता है, और नहीं तो सीधा कॉग्निजेंस लेकर ट्रायल शुरू कर सकता है। जब नूपुर शर्मा का ऐसा मामला आया है जिसमें और एविडेंसेस कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो नूपुर शर्मा के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, जब हाई कोर्ट के अंदर का मामला होता, लेकिन चूंकि ये पैन इंडिया मामला है, कई एक हाई कोर्टों के तहत आने वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्टों का मामला है या पुलिस स्टेशनों का मामला है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें आर्टिकल 200 सेक्शन 200 CRPC की प्रोसीडिंग को, जो लैप्स है वो लैप्स कंप्लीट करके
आदेश मिसलिनियस कर सकता था कि इसको एक अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसी अदालत में सभी एफआईआरें अटैच कर दी जाती हैं, नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई भी कोर्सिव एक्शन लेने से रोका जाता है और अब जिस न्यायालय में ये ट्रायल चलेगा या जिस जो न्यायालय इसका कॉग्निजेंस लेगा उस न्यायालय में ही सब कुछ रहने वाला है, वो न्यायालय ही अगला आदेश नूपुर शर्मा के खिलाफ देगा और नूपुर शर्मा को फला कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए, उनको प्रेजेंट होने का समय दे देते। और अब वो न्यायालय जो कंप्लेनेंट हैं, जो एफआईआर जिन्होंने दर्ज करवाई है, उनको कंप्लेनेंट बना लेता और उनसे ये कहता कि आपके पास जो भी एविडेंसेस हैं वो मुझे सबमिट कर दीजिए। उन एविडेंसेस को सबमिट करवाने के बाद फिर अगर और एविडेंसेस की आवश्यकता है तो जिस न्यायालय में वो कॉग्निजेंस लेने का दिया हुआ है या जिसमें कंप्लेंट ट्रीट की गई है वो न्यायालय और एविडेंसेस कलेक्शन करने के आदेश कर सकता था और सीधा नूपुर शर्मा को अपनी अदालत में बुलाकर चाहे उनको बेल देनी पड़ती, चाहे उनको उस समय कॉन्फिस्केट करना पड़ता, जो भी न्यायालय को करना है वो कर सकता था और उसके बाद नूपुर शर्मा को डिफेंस करने का अवसर दे सकता था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो एप्लीकेंट हैं या जो 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 इन्फॉर्मेंट हैं उनको भी अपनी बात रखने का अवसर दे सकता था। ये पुलिस और स्टेट के पूरी झंझट से बाहर निकाल कर इस केस को लाया जा सकता था। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें कानूनन लिखित कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये लैप्स ऑफ प्रोसीडिंग है और जब प्रोसीडिंग कहीं से गैप होती है तो लैप्स करती है तो उस प्रोसीडिंग को सही करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 में पावर दे रखी है कि जहां पर इस तरह की प्रोसीडिंग लैप्स हो वहां आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट उस प्रोसीडिंग को फुलफिल कर सकता है और नए आदेश पास कर सकता है और ये कह सकता है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियों में ये भी किया जा सकता है जो कि CRPC में नहीं लिखा है। मुझे लगता है कि नूपुर शर्मा के मामले में जो प्रोसीडिंग जिस प्रकार से चली है, कोर्ट ने समय दिया है और कोर्ट ने कोर्सिव एक्शन लेने से मना किया है, कोर्ट के सामने प्रेजेंट होने के लिए कहा है, ये सब कुछ होते हुए भी मुझे लगता है इस पर और एक ग्रेट ग्रांट ऑर्डर की आवश्यकता थी जो लैक ऑफ प्रोसीडिंग को दर्शाता था, उस पर बहस होनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि ये जो प्रोसीडिंग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने तय की है या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या सुप्रीम कोर्ट ने सेम पिटीशन, सेम आरोप, सेम क्लिप, सेम सिचुएशन के अंदर पिछली बार रिजेक्ट करना और मना करना और इस बार उस पर इंतरिम रिलीफ देना, ये प्रभाव उस बात का है कि लीगल फ्रेटर्निटीज ने आकर अपनी बात सामने रखी और सुप्रीम कोर्ट का फेयर क्रिटिसिज्म किया। चीफ जस्टिस की महानता यह है कि उन्होंने उसी कोर्ट में उसको भेजा और उस कोर्ट की महानता यह है कि उसने अपने पुराने जो उसने स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट के होते हुए भी अपनी भूल या जो उन्होंने पिछले में जो किया था उसको सही कर लिया है। मतलब वो ईगो पर ऑनरेबल कोर्ट ने नहीं लिया है, ऑनरेबल कोर्ट ने जो करना पहली ही प्रोसीडिंग में करना चाहिए था वैसा ही कुछ इस प्रोसीडिंग में करके अपने आप को ये बताया है कि न्यायालय के सामने कोई ईगो नहीं होता, न्यायालय कहीं से ईगो से ईगोस्टिक नहीं हो सकता, न्याय की प्रक्रिया में अगर उससे कुछ गड़बड़ भी हो गई है या उससे कोई भूल हो गई है तो वो सहजता से उसको स्वीकार करता है और स्वीकार करते हुए प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाता है और दिल से नहीं लेता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।